देश के बजट के बाद अपने घर और रसोई का बजट भी ठीक करने के लिए आइए शक्ति कैंटीन स्टोर यूनियन बैंक के सामने कुंड रोड बहरोड। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मिलता है हर एक वो सामान जो है आपकी जरूरत का, और वो भी 50% की छूट तक। तो अब देर किस बात की, चले आइए शक्ति कैंटीन, आपको सिर्फ बचत ही नहीं महा बचत होगी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं। कान्हावास में बाबा हरिदास प्रांगण में विशाल शिव मेला व भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकुमार यादव ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स गुरुग्राम रहे। सभी ग्राम वासियों व मेला कमेटी ने उनका फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि शिवरात्रि का हमारे पुराणों में बहुत बड़ा महत्व है। राजकुमार यादव ने संबोधित करते हुए मेलों का समाज में बड़ा महत्व बताया। मेलों से हमारी सांस्कृतिक व समाज में भाईचारा आपसी स्नेह प्यार बढ़ता है। मेरे साथ उपस्थित विशिष्ट अतिथि मनोज जी, आनंद जी, महेश जी, अरुण जी, कर्नल साहब, ग्राम विकास समिति के सदस्य, मेला कमेटी के सदस्य जो बहुत ही प्यार से मुझे आमंत्रित करने के लिए गुरुग्राम तक गए, और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ग्रामीणों, आज की बाबा हरिदास जी के मंदिर की पावन धरा। नेशनल हाईवे सोतानाला फ्लाईओवर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत और जहां दो अन्य महिला घायल थी उनका तत्काल रक्त की आवश्यकता होने पर बहरोड पीजी महाविद्यालय के 56वीं बार रक्तदान करने वाले राकेश जायसवाल महाविद्यालय छात्र और अन्य मदद के लिए आगे आए और 17 यूनिट रक्त उपलब्ध कराया। राकेश ने बताया कि मेरे पास दुर्घटना की सूचना मिलते ही मैंने महाविद्यालय के छात्रों और अन्य लोगों को कॉल करके बताया कि ओ प्लस पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता है। तुरंत प्रभाव से 17 लोगों ने रक्तदान किया और मानवता का परिचय दिया। कोहर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने उद्घाटन किया। वहीं शिवदान सिंह पुरा ग्राम में 3 इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अतिथियों का डीजे के साथ स्वागत भी किया। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें राज 24। नमस्कार।